सितंबर को बहराइच हिंसा में गोली मारकर रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर गई थी और मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की मांग को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। घटना के बाद से ही सभी आरोपियों की तलाश में एसटीएफ द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी सरफराज और उसकी सहयोगी तालीम को पुलिस पकड़कर बंदूक को तलाश करने में नेपाल की तरफ जा रही थी और इसी बीच दोनों आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालीम दोनों को गोली लगी है। दोनों का इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। और बता दें कि इस घटना में मौजूद सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रविवार को जो वहां दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, चार लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं। जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा